राज, मुझे लगता है राहुल का आइडिया बहुत ही अच्छा है। राहुल और इसे दोनों को साथ डुएट गाना चाहिए। सोनाली जी, ये इंटरनेशनल कंपनी ये एल्बम आपके बेटे राहुल के लिए बना रही है, आपकी बहू के लिए नहीं। वो पर उन्हें पता थोड़ी ना है कि मानी कितनी टैलेंटेड है, और वैसे भी राहुल की शादी के बाद उसके फैंस ईगली वेट कर रहे हैं उसकी वाइफ्स की अपडेट के लिए। और अब ये दोनों साथ गाएंगे तो सॉन्ग को अपने आप पब्लिसिटी मिल जाएंगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स, एक बार गाना तो सुनने दो। डैड, मैं कह रहा था कि वैसे भी मेरा कोई डुएट एल्बम मार्केट में आया नहीं, अगर आप मुझे कुछ अलग करने दोगे, मतलब आई रियली फील गुड अबाउट दिस आइडिया, आई एम वेरी एक्साइटेड। तुम लोग प्लीज, तुम मुझसे ऐसे कह रहे हो जैसे मैं मना करूंगा और तुम लोग मान जाओगे। करना तुम लोगों को वही है जो तुम्हारे मन में आएगा, तुम लोगों को जो करना है करो, मुझे कोई इतराज नहीं। ये राज सबरवाल और राहुल सबरवाल मिलके क्या कर रहा है म्यूजिक के साथ में? अरे म्यूजिक तो एकदम बाजारू चेंज बना दिया। म्यूजिक इज जस्ट लाइक मदर, तुम मदर को बेच रहे हो। मन में हमसे प्रॉमिस करो, तुम उस सबरवाल फैमिली उसके पास नहीं जाएगा, उससे दूर रहेगा, उससे कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। अब इसमें प्रॉमिस करने वाली बात कौन सी? मुझे भी वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं नहीं, प्रॉमिस करो। हेलो मानवी, मैं तो तुझे ही फोन करने वाली थी। अच्छा हुआ तूने फोन कर दिया। क्यों, क्या हुआ माँ? सब ठीक तो है ना? बाबा तो ठीक है? हाँ हाँ बेटा, वो ठीक है। तो घबरा मत, वो मैं राहुल को विश करने के लिए फोन करने वाली थी। आज न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने, वो किसी इंटरनेशनल कंपनी के लिए गाने वाला है ना, तो ऑल द बेस्ट कहना था। जी माँ, मैं उसे जरूर बोलूंगी। माँ वो एक्चुअली मैंने आपको यही पूछने के लिए फोन किया था कि राहुल चाहता है कि मैं उसके साथ गाऊं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, क्योंकि बाबा को तो कभी भी ये वेस्टर्न ये रॉक म्यूजिक पसंद नहीं रहा। वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं सबरवाल के साथ गाऊं। मानवी बेटा, तेरे बाबा सबरवाल के खिलाफ थे, तेरे संगीत के नहीं, और उनको मैं तुझसे बेहतर जानती हूँ। मुझे पता है, आज अगर वो ठीक होते ना तो सबसे पहले तो तुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश देखकर बहुत खुश होते, और तुझसे यही कहते जैसे तूने एक अच्छी बेटी होने का फर्ज निभाया है ना, वैसे ही एक अच्छी पत्नी होने का भी फर्ज निभा। और अगर इसीलिए राहुल चाहता है कि तू उसके साथ गाए ना, तो तू जरूर गा बेटा। सच माँ? बाबा सच में ऐसा कहते? हाँ। मुझे तो ये लगता है कि वो नाराज होते। बिल्कुल नहीं बेटा, मैंने कहा ना, तेरे बाबा की नाराजगी सबरवाल से है, तेरे संगीत से नहीं। और उन्हें पता है कि तू कितने टैलेंटेड है, और अगर तुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है ना, तो उसे चूक मत, जरूर गा बेटा। तेरे बाबा को तुझ पे गर्व होगा, और जब तेरा ये एल्बम रिलीज होगा ना, तो सबसे पहले मैं यहाँ तेरे बाबा के सामने चलाऊंगी। और मुझे यकीन है हमारी ये बातें उनके कानों तक ना पहुंचे, पर तेरा संगीत है ना, उनके दिल तक जरूर पहुंचेगा। हाँ माँ, आप सही कह रही। मैं राहुल के साथ गाऊंगी माँ, जरूर गाऊंगी, रखती हूँ। गॉड, दैट्स टू मच। अब ये ही मानवी भी इस घर में मुझसे और शालिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। दिस इज नॉट फेयर डैड। आप अपने दुश्मन की बेटी से गवा सकते हैं, लेकिन लेकिन अपने खुद के बेटे के साथ